हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से आज मैं आपको होम साइंस के सेकंड सेमेस्टर के थर्ड यूनिट में जो आपके यार्न कंस्ट्रक्शन है उसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि जो यार्न होते हैं या जो धागे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये आज हम क्लियर करेंगे। तो यार्न कंस्ट्रक्शन में जो आपका स्पिनिंग था, यानी कि हम किस तरीके से धागे को कताई करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में भी आपको नोट करा दिया है सारी चीज़ें। तो यार्न जो कंस्ट्रक्शन था जिसमें स्पिनिंग करनी थी, कताई करनी थी, तो उसके लिए जो था पुरातन समय में कहा जाए, आज भी हमारे इंडिया में मशीनों के माध्यम से भी काम होता है और तकली और चरखे के माध्यम से भी हम जो रेशे हैं उनके धागे को काटने का काम करते हैं या स्पिनिंग का जो काम है या कार्य है वो करते हैं। इसके बाद जो हमारे जो रेशे होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं ये। एक तो होता है आपका स्टेपल फाइबर एंड एक होता है आपका फिलामेंट। तो जो स्टेपल होते हैं वो हमारे छोटे होते हैं और जो फिलामेंट होता है वो हमारा बड़ा रेशा कहलाता है, और इन्हीं रेशों को बटकर ही हम क्या करते हैं, धागे का निर्माण करते हैं। तो धागे हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, धागे होते हैं हमारे टू टाइप्स के। एक होता है हमारा सिंपल यार्न और एक होता है कॉम्प्लेक्स यार्न। तो जो सिंपल यार्न होता है यानी कि जो साधारण धागा होता है वो कितने टाइप्स का होता है, वो हमारे टू टाइप्स का होता है। एक होता है सिंपल स्टैंडर्ड यार्न होता है और दूसरा होता है टू प्ले यार्न, या इसी को हम कोवेल यार्न भी कहते हैं। तो चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो सिंपल होगा वो तो इस पर ट्विस्टिंग नहीं होगी। वहीं पे अगर हम दोहरे धागे की बात करते हैं तो इसमें दो धागों को, दो रेशों को एक साथ मिला करके बट करके बनाया जाता है। तो जो साधारण में जो हमारा इकहला धागा या सिंपल स्टैंडर्ड यार्न है वो जो बनाने के लिए केवल हम एक प्रकार के रेशे का ही यूज़ करते हैं, और ये जो धागा होता है सभी भागों में कैसा होता है, एक समान होता है और आदि से अंत तक ऐठन की प्रक्रिया भी एक सी ही बनी रहती है और एक ही दिशा में इसकी जो है प्रगति होती है। और जो धागा होता है वो साधारण हो या तले वाला, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितने धागों या स्ट्रैंड से बल दे करके बनाया गया है। वहीं पर अगर हम टू प्ले यार्न की बात करते हैं या फिर कैबल यार्न की बात करते हैं या रस्सी नुमा धागा भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो दोहरा धागा होता है वो देखने में कैसा लगता है, रस्सी जैसा लगता है, कॉर्ड यार्न जैसा ही दिखाई देता है। और ये जो होता है ये दो या दो से अधिक जो धागे होते हैं उनको ऐठन दे करके हम बनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्या, टू प्ले यार्न या फिर हम कह सकते हैं इसे दोहरा धागा। अब इसके बाद बात करते हैं सम्मिश्रित धागों की या कॉम्प्लेक्स यार्न की। इनको हम नॉवेल्टी यार्न भी कह देते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो इसको हम वैसे कॉम्प्लेक्स यार्न की संज्ञा देते हैं। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस प्रकार के जो धागे बनाने की प्रक्रिया होती है वो कैसी होगी, जटिल होगी और अलग अलग प्रकार की होती है। इसमें यह होता है कि विभिन्न प्रकार के हम दोहरे धागे ले लेते हैं या उन्हें रंगों से तैयार करके तहदार धागा बनाते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो रंग वाले तथा एक प्रकार के ऐठन दिए धागे को एक साथ ऐड करके हम क्या बनाते हैं, सम्मिश्रित धागा। यानी कि विभिन्न प्रकार के रंग वाले धागे होते हैं और उसके साथ एक प्रकार के ही ऐठन दिया गया धागा, इन दोनों को एक साथ लेकर के ऐड कर इसको हम क्या बनाते हैं, सम्मिश्रित या कॉम्प्लेक्स यार्न बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, ऐठन में हम थोड़ी सी चेंजेस ला करके जो सिंपल यार्न होते हैं उनसे हम जटिल धागा या कॉम्प्लेक्स यार्न बना सकते हैं। इसे मिश्रित इस प्रकार धागा कहते हैं कि बीच में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के रेशों का मिश्रण किया जाता है, जैसे रेयन मिला दिया, रेयन के साथ हमने उसमें या तो कॉटन ऐड कर दिया या ऊन ऐड कर दिया। तो रेयन के साथ हम रुई भी कर सकते हैं और ऊन भी हम कर सकते हैं। तो सम्मिश्रित धागा बनाने का दूसरा उद्देश्य क्या होता है कि इसमें हमें नया पल लाना होता है। इससे कम से कम क्या होता है कि एक या दो प्रकार के गहरे धागे हम ले लेते हैं और ये काम करता है किसका, आधार का, और दूसरा हम उस पर लपेटते हैं जिसे हम सम्मिश्रित धागा। निम्न प्रकार के जो धागे हैं वो फैंसी धागों का रूप जो है वो ले लेते हैं। इनमें कुछ हैं जैसे कि एक हमारा स्लब यार्न होता है जिसे हम थोड़ा बटा हुआ धागा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस धागे में जो नियमित स्थानों पर जो ऐठन है वो नहीं दी जाती, बल्कि इसमें जो निश्चित जो मध्यांतर पाए जाते हैं या मिड में ही हम इसमें ऐठन के कसाव को कभी हल्का कर देते हैं तो कभी अधिक कर देते हैं। वहीं पर अगर हम शेष जो बचे हुए स्थान होते हैं उन पर क्या करते हैं, कसकर दी गई ऐठन जो रहती है। इस प्रकार के धागे से बने जो वस्त्र होते हैं
इनकी सतह पर कुछ सजावट तथा कुछ नवीनता तो अवश्य आ जाती है, परंतु क्या होता है कि बिना बटे हुए स्थान पर घिसावट का प्रभाव पड़ता है, जिससे वो क्या हो जाता है, कपड़ा भद्दा हो जाता है और उसकी जो मजबूती है वो भी कैसी हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। दूसरा होता है हमारा लूप यार्न, जैसे हम कहते हैं फंदेदार धागा। तो इसमें क्या होता है कि इस धागे पर हम कुछ कुछ स्थान को छोड़कर आधार जो है धागे के चारों फंदा लगा दिया जाता है, तो ये हमारा होता है लूप यार्न। इसके बाद बात करते हैं नॉट यार्न की, या फिर नव यार्न भी इसको बोलते हैं, गांठ या धब्बे वाला धागा हिंदी में हम इसे कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि दो ऐठन वाले धागों को प्रयोग किया जाता है, एक आधार के रूप में हम इसका यूज करते हैं और दूसरा जो धागा लेते हैं वो अतिरिक्त मोड़ के द्वारा उसमें गांठ जैसा लगाने का काम किया जाता है, जिससे कि दो विभिन्न रंगों वाले धागे का प्रयोग किया जा सकता है तथा गांठों की ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि वह पूरे धागे की लंबाई में एक के बाद एक जो है वो दिखाई पड़ते हैं, जिसे हम कह सकते हैं क्या नॉट यार्न या फिर नव यार्न। इसके बाद हम बात करते हैं स्पाइरल यार्न की, इसे हम स्क्रू धागा भी कहते हैं। या तो दो धागों के मिश्रण से बना धागा, यानी जब हम दो धागों को मिलाते हैं उससे जो बना धागा होता है जो कि माप या ऐठन से अलग अलग होता है, और ऐठन देकर ये हम मटकर इसे बनाते हैं। इसमें विभिन्न व्यास के धागे को लेकर विभिन्न गतियों में ऐठन देकर हम धागे को बनाया जाता है। तो इस चीज़ का आपको देखना है कि स्पायरल और क्रॉप के जो स्क्रू यार्न होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं। एंड देन आपका एक होता है रटायन यार्न या रटायन धागा, यह भी जो है किससे मिलता होता है, स्पायरल धागों का एक प्रकार होता है और इसमें धारों की परतों में जो स्पायरल तरीके से ही इसमें ऐठन दी जाती है, यानी घुमादार स्पायरल जैसा होता है, थोड़ा सा घुमादार ट्विस्टेड होता है, तो उसी तरीके से इसमें क्या करते हैं ऐठन देते हैं, जिससे कि जो कुछ मध्यांतर जो होते हैं उन पर एक लंबा चक्करदार स्थान जो है वो छोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा कौन सा होता है, रिटायन यार्न होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नावल्टी यार्न की, तो इस धागे में क्या है, नियमित जो मध्यांतर होते हैं वहाँ पर असमान व्यवस्था होती है, तो किसी भाग यह किसी भी भाग में असमान हो सकता है। यह काटने की मशीन से बनाया जाता है, जिसमें विभिन्न सूती या प्ले यार्न पर दबाव डालने, ढीला करने, लहरदार बनाने या ऐठनदार चक्करदार बनाने के लिए विशेष व्यवस्था होती है। थोड़ा बटा हुआ या परतदार धागा बनाने के लिए मशीन में विशेष व्यवस्था जो है वो करनी पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं स्पेशल नॉवल्टी यार्न की, तो मशीन का धागा एक विशेष प्रकार के जो है वो क्या होता है, इसमें कि जो सीढ़ी नुमा बना हुआ वस्त्र होता है उसकी तानेदार जो पट्टियाँ होती हैं उनको काटकर प्राप्त करते हैं, और कोमलता में जो ऐठे हुए सूती सूत के काटे हुए जो सिरे होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं तथा परतदार झालर जैसी जो है वो इसमें बन जाती है, और यह जो बुनाई से पूर्व भी इसकी जो है तय कर दी जाती है, जिससे सारी परतें वस्त्र की एक सतह पर क्या होती है, दिखाई देती है। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेक्स यार्न की या धागे की, तो ये जो धागा होता है ये कैसा होता है, लचकदार होता है, और इसमें जो है रबर का धागा ना होने पर भी इसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी या तन्यता जो होती है वो 100% होती है इसमें। इसके बाद बात करते हैं लैसेटेक्स यार्न की, तो इसमें क्या होता है, जो महीन रबर के जो तार होते हैं उनको रुई या नायलॉन, रुई यानी कॉटन, कॉटन यानी कपास जिसको हम बोलते हैं, तो कपास नायलॉन या रेयन के जो धागे होते हैं उनको एक साथ पट करके हम ये लैसेटेक्स जो यार्न होता है उसको बनाते हैं। इसके बाद टेक्सचर्ड यार्न की बात करें, जिसे हम बनावटी धागा कहते हैं और हिंदी में से टेक्सचर्ड यार्न भी हम कहते हैं, तो ये बनावटी धागा या जो टेक्सचर्ड यार्न होता है वो स्ट्रेच जो धागे होते हैं उसी का एक उन्नत जो है रूप है। इसमें जो है जो गुणवत्ता पाई जाती है इसमें उत्तम प्रकार की होती है, जो कि साधारण जो फिलामेंट होते हैं उनमें नहीं पाई जाती है, और ये देखने में क्या है, ये प्रायः जो है नायलॉन के धागे से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि नायलॉन के धागे क्या होते हैं, ताप सुलभ होते हैं, इसीलिए जो स्ट्रक्चर यार्न है उसमें इनका यूज होता है। इसके बाद जो लास्ट हमारा है वो होता है ग्रैंडल यार्न, या जब दो या दो से जब अधिक रंगों के धागों को एक साथ हम मिलाते हैं और बढ़ते हैं तो उसमें ऐठन देकर धागा जो है वो तैयार किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रैंडल धागा। और ये धागे भी कैसे होते हैं, अत्यंत सुंदर और आकर्षक जो है वो हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरीके से आपने आज जाना कि जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो धागे होते हैं वो कैसे हैं, तो वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण धागा होता है और एक हमारा जटिल धागा होता है। तो साधारण धागे कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा सिंपल स्टैंडर्ड यार्न कहरा धागा और एक होता है टूपले यार्न यानी दोहरा धागा। इसके बाद जो जटिल धागे होते हैं उनमें हमारा स्लब यार्न हो गया, लूप हो गया, नॉट हो गया, स्पाइरल है,
सेक्शन नॉवल्टी यार्न है, श्रैक्स है, नेसेटैक्स है, टेक्स्चर्ड यार्न, और लास्ट में आपका आता है ग्रैंडर यार्न, यानी इतने ही टाइप्स यार्न के जो कॉम्प्लेक्स यार्न है वो होते हैं। तो आज आपका एक कंप्लीट हो गया है कि जो यार्न है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये आपका क्लियर है।